हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जॉन ड्राइडन की इम्पॉर्टेंट पोएम हैप्पी द मैन। यह लिखी है जॉन ड्राइडन ने। बेसिकली वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने इसको लेके हमें कमेंट किया था, उसी पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हैप्पी मैन। तो बेसिकली अगर पोएम की बात करें तो इसमें जॉन ड्राइडन कहते हैं कि एक मनुष्य जो है कैसे हैप्पी रह सकता है, एक जो पीपल है, मैन है, जो इस वर्ल्ड में आया है, इसको हैप्पी रहने के क्या रीज़न होते हैं, क्या कैसे खुश रह सकते, उसको बताते हैं। ना उसको पास्ट के बारे में सोचना चाहिए, ना ही फ्यूचर के बारे में, बल्कि उसको किसको प्रेजेंट में जो चीज़ें उसके पास है उसी के बारे में इसको सोचनी है। पोएम बहुत लंबी नहीं है, 8 लाइन्स की एक पोएम है। इसको आइए लाइन बाय लाइन समझेंगे कि कैसे चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब देखिएगा, अगर हम बात करें हैप्पी मैन पोएम की, तो इस पोएम के थोड़ा सा अबाउट देख लेते हैं। अबाउट द पोएम क्या है, द स्पीकर इज कंटेम्पलेटिंग, माने विचार कर रहा है, द बेस्ट वे ऑफ अचीविंग हैप्पीनेस। यानी जो स्पीकर है इस पोएम में, राइटर हैं, वो विचार कर रहे हैं, कंटेम्पलेट थिंक कर रहे हैं कि क्या की बेस्ट वे हो सकती है जिससे हम अचीव कर सकें हैप्पीनेस को। ही हैड डिसाइडेड दैट देयर इज रियली ओनली वन थिंग, और लास्ट में वो डिसाइड करते हैं केवल एक ही थिंग है, एक ही चीज़ है जो हमें खुश रखती है, एंड वन थिंग एलोन, और केवल एकमात्र वही चीज़ बची है। क्या बची है, विच हैज़ द पावर टू ब्रिंग जीनियस हैप्पीनेस टू ए पर्सन, और उस चीज़ में, उस थिंग्स में एक पावर है, जीनियस पावर है जो ब्रिंग ला सकती है हमारी जीनियस हैप्पीनेस सब किसी पर्सन के लिए। अब देखिए, दैट वन थिंग इज द एबिलिटी टू लुक बैक एट द एंड, और वह एबिलिटी ला सकते हैं कि आप पीछे भूतकाल में जो चीज़ें हुई उसको देख सकें, ऑफ द डे जो दिन के अंत में चीज़ें होती हैं उसको आप मूल्यांकन कर सकें, विथ एन ऑनेस्ट एंड फेथफुल, ईमानदारी से और सही तरीके से, एसर्शन दैट डे बिलोंग फुली टू हिम, और आपको ना ही जो वह दिन है पूरी तरह से आपका है और आप उसको इंजॉय करिए, ना ही पास्ट के बारे में सोचिए कि जो चीज़ें कैसे हैं उसको बस उससे सीख लीजिए, और ना ही भविष्य के बारे में देखिए। इसी के बारे में एक पोएम बताया जा रहा है। अब देखिए, इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखेंगे, 8 लाइन की पोएम में क्या कह रहा है। देखिएगा, हैप्पी द मैन हैप्पी ई एलोन, यानी इसमें कह रहा है कि हैप्पी द मैन एंड हैप्पी ई एलोन। जो पोएट है वो ऐसा कंटेम्पलेटिंग कर रहा है थिंकिंग माइंड में कि ये चीज़ें क्या है जो हमें खुश रख सकती हैं, और वह चीज़ है केवल एकमात्र चीज़ है जिससे हम खुश रह सकते हैं, वह चीज़ क्या है आगे देखिएगा। ही हु कैन कॉल टुडे हिज ऑन, ही हु सिक्योर विद इन कैन से टुमोरो डू द बेस्ट फॉर आई हैव लिव टुडे। मतलब वो कह रहे हैं कि ही वह है जो कैन कर सकता है, कॉल टुडे हिज ऑन, जो अपने, मान लीजिए आप बैठे बैठे कर सकते हैं, पुराने चीज़ों को, बीते हुए चीज़ को पश्चाताप कर सकते हैं, दुखी रह सकते हैं, लेकिन हमको पुराने दिन जो पास्ट में बीत गए हैं उसको नहीं आपको बारे में सोचना है। ही हु सिक्योर विद इन, और उसी में जाके फंस के रह सकते हैं भाई, क्या करना है क्या नहीं करता, कैन से क्या कहा जा सकता है, देखिए टुमोरो डू द वर्स्ट, और जो भविष्य आने वाला है अच्छा है कि बुरा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, फॉर आई हैव लिव टुडे, और हमें किस में, आज में जीना चाहिए जो प्रेजेंट है, ना ही पास्ट की चिंता करें, ना ही भविष्य के बारे में सोचें, और किस में, प्रेजेंट में आप जिए, प्रेजेंट जो चल रहा है, आपको जो भी चीज़ें आपके पास है, व्हाट एवर इज यू हैव, ज़्यादा पैसा है, कम पैसा, उसी में खुश रहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आगे की 4 लाइन देखिएगा, बी फेयर और फाउल, रैन और साइन, चाहे कि जो चीज़ें जो प्रेजेंट में है अच्छी हों बुरी हों, चाहे आपके जो हैं चमक रहे हों, चाहे दिन बुरे आए हों, लेकिन इससे क्या है, दर्द जो आए आप खुश रहिए, हैव आई हैव पोजिशन, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो खुशी है आपकी, जो भी चीज़ें दूसरों को देख के खुश, दुख रहने की कोई जरूरत नहीं, उनके पास इतना सारा पैसा है। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली जो है जॉन ड्राइडन यह कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आई हैव पोजिस, मतलब जो भी बिलोंगिंग है जो आप बिलोंग कर, उसी में खुश रहिए, इन स्पाइट ऑफ फेथ। इन स्पाइट ऑफ फेथ का मतलब भविष्य पे छोड़ने से अच्छा है कि भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, ऐसे आप हाथ पे हाथ रख के भरे नहीं रह सकते, जो वर्तमान को ही इंजॉय करिए, भविष्य को नहीं, आर माइंड, और जो भविष्य है उसको, वो तो हमारा है ही, लेकिन वर्तमान भी हमारा है। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं आगे की 2 लाइनों में, इन 2 लाइनों को, नॉट हैवन इटसेल्फ हैवन अपॉन द पास्ट हैज़ पावर। अच्छा, हैवन के पास भी ऐसी पावर नहीं है जो पास्ट बीत चुका है उसको बदल दे, यानी उसको बदला नहीं जा सकता, बट वाट हैज़ बीन, लेकिन जो चीज़ें बदली जा सकती हैं, जो चीज़ें हैं, हैज़ बीन आई हैव माई आवर,
और जो चीज़ें हैं वर्तमान में चल रही हैं मैं उसको बदल सकता हूँ अपने हार्ड वर्क से, अपने पेशेंस से, अपने ऑनेस्टी से, अपनी ईमानदारी से। तो वर्तमान भविष्य को देखिए, जो पास्ट बीत गया है उसको एवेन भी नहीं चेंज कर सकता है, केवल बदल सकता है तो आपका वर्तमान। इसीलिए इन दिस पोयम जॉन ड्राइडन डिस्क्राइब द सिचुएशन टू हाउ टू हैप्पी ए मैन, ए मैन हु थिंक अबाउट द पास्ट, ए मैन थिंक अबाउट द फ्यूचर बट नेवर इंजॉय हिज प्रेजेंट। बेसिकली इन दिस पोयम जॉन ड्राइडन फोकसेस योर प्रेजेंट टाइम, यू इन्जॉय द प्रेजेंट टाइम। देखिए बेसिकली छोटी सी पोएम रहती है, 8 लाइनों की पोएम रहती है। तो इस पोएम को आपको देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही कोई आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में करें, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।